गुड इवनिंग एवरीवन। आज बाबा हम लोग बात करेंगे ना कैपिटल अकाउंट के बारे में। कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया जाता है? 11th में तो हम लोग नहीं बनाते थे। 11th में हम लोग इसलिए नहीं बनाते थे ना, क्योंकि वो हमारा जो बिजनेस होता था वो सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस होता था, और सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस में एक ही आदमी सब कुछ होता है, तो सब कुछ उसी का होता था, इसलिए वहां पे कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती थी, ठीक है। आज चूंकि हम लोग पढ़ रहे पार्टनरशिप अकाउंट, इसलिए हमें यहाँ पे कैपिटल अकाउंट वहां पे बनाना पड़ेगा। क्यों? टू नो द नेटवर्थ ऑफ द बिजनेसमैन इन बिजनेस, ठीक है। तो अगर हम बात करें कैपिटल अकाउंट किस लिए बनाया जाता है, तो टू नो द नेटवर्थ अ पार्टनर इन बिजनेस। बिजनेस में पार्टनर की नेटवर्थ क्या है, मतलब आज के डेट में बिजनेसमैन के बिजनेस में औकात, इसके लिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट ना हमारा दो तरीके से बनाया जाता है। पहला, अगर पार्टनर चाहते हैं उनकी कैपिटल में किसी तरीके के कोई चेंजेज ना हो, मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा हमारा होता है फ्लोटिंग या फ्लक्चुएटिंग। दूसरा हमारा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। जब पार्टनर चाहते हैं उनके कैपिटल में कोई चेंजेस ना हो, तो वहां पर हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? फिक्स्ड मेथड। और फिक्स्ड मेथड में ना हमारे दो अकाउंट बनते हैं, पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा हमारा होगा करंट अकाउंट। पहला बनेगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा होगा हमारा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें जाएंगी? कैपिटल अकाउंट में केवल और केवल इसमें आएगा ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द बिजनेसमैन और विड्रॉन ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो सबसे पहला जो अकाउंट बनेगा ना उसका नाम कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट। और ये पर्सनल अकाउंट हमारा होता है, ठीक है। और एक तरीके से क्या होती है? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी जब भी बढ़ेगा उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं, और जब भी लायबिलिटी घटती है उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। सर पहला कॉलम किसका है? पर्टिकुलर पार्टनर ए, पार्टनर बी। पर्टिकुलर पार्टनर या पार्टनर बी, सर कोई पार्टनर उसका नाम एक्स वाई हो, तो जो भी पार्टनर होंगे उनका उसमें नाम आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहां पर दिखाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्या है? इसे हम लोग बोलते हैं ना ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। पहले से हमारे पास बिजनेस में इतना पैसा पड़ा हुआ है, फिर उसके बाद दिखाते हैं बाय कैश या बैंक अकाउंट। सर ये क्या लिख दिए? इसे बोलते हैं ना ए सी आई। ए सी आई का मतलब क्या है? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो और पैसा आपने बिजनेस में लगाया। तो ये हमारे पास पहले से इतना था, इतना और हमने बिजनेस में लगाया। डेबिट में तो कुछ जाएगा नहीं नॉर्मली, यहां पे लिखेंगे टू कैश या बैंक। टू कैश या बैंक, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। और इस पर हम बनाते हैं स्टार, ठीक है। सर स्टार क्यों बना दिया? बाबू ड्रॉइंग्स हमारा ना दो टाइप का होता है। ये जो ड्रॉइंग्स है ये अपना कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। पहला आउट ऑफ कैपिटल ड्रॉइंग्स, और दूसरा हमारा होता है आउट ऑफ प्रॉफिट ड्रॉइंग्स, ठीक है। सर कब आउट ऑफ कैपिटल होता है, कब आउट ऑफ प्रॉफिट होता है? ये आउट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बता रहे हैं। हेलो, पहला हमारा है आउट ऑफ कैपिटल ड्रॉइंग्स। आउट ऑफ कैपिटल ड्रॉइंग्स को ये हम लोग बोलते हैं ना परमानेंट विड्रॉन ऑफ कैपिटल। जब पार्टनर बिजनेस से अपनी कैपिटल को ही निकाल लेता है, यानी दोबारा ये पैसा बिजनेस में लगाने वाला नहीं है, तो उसे हम लोग कौन सा बोलते हैं? आउट ऑफ कैपिटल ड्रॉइंग्स। और दूसरा हमारा होता है आउट ऑफ प्रॉफिट ड्रॉइंग्स। आउट ऑफ प्रॉफिट ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है? टेम्पररी, एक सर्टेन पीरियड के लिए हमने बिजनेस से पैसा निकाला है और वो पैसा हम बिजनेस को एक सर्टेन पीरियड के बाद वापस कर देंगे, तो उस ड्रॉइंग्स को हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट ड्रॉइंग्स।
आउट ऑफ कैपिटल ड्रॉइंग्स पर बाबू ना इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, मतलब ये पैसा दोबारा बिजनेस में आने वाला नहीं है, आपने अपना खुद का पैसा बिजनेस से निकाल लिया तो इस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। लेकिन जब भी हम ड्रॉइंग्स करते हैं ना आउट ऑफ प्रॉफिट, तो एक सर्टेन पीरियड के लिए करते हैं, तो इस पर हमारा ड्रॉइंग्स में इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, तो यहां पे कौन सा वाला ड्रॉइंग्स आएगा? आउट ऑफ कैपिटल वाला। ठीक, अब डेबिट साइड में दिखाएंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। क्रेडिट में दो चीजें, एक चीज हमारा कहां पे आएगा? डेबिट में। क्रेडिट में क्या था वो? पहला बैलेंस बीडी और दूसरा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। डेबिट साइड में क्या था हमारा? आउट ऑफ कैपिटल ड्रॉइंग्स, जाने वाले में से कम वाले को घटा देंगे। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा? बाई टू बैलेंस सीडी। याद रखना जब भी कैपिटल हमारी फिक्स रहती है, इट कैन नॉट हैव डेबिट बैलेंस। अगर कैपिटल हमारी फिक्स है तो इसका डेबिट साइड कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक, याद रखो, दिक्कत नोट कर लीजिए। फिर अगला हमारा अकाउंट बनेगा ना करेंट अकाउंट। ठीक है सर, करेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं? वो डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे जो भी पार्टनर को स्पेशल बेनिफिट्स वगैरह लेने देने होते हैं वो सारी चीजें एक अकाउंट में रिकॉर्ड होती है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? करेंट अकाउंट के नाम से। ये भी हमारा कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। ठीक, तो इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट, और डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे? डेबिट। यानी हम बोले तो क्या बोल सकते हैं? जब भी बढ़ेगा, जहां बढ़ेगा, जैसे बढ़ेगा, सबको हम क्रेडिट करेंगे, और जब भी घटेगा, जहां घटेगा, जैसे घटेगा, सबको हम डेबिट करेंगे। या दूसरे तरीके से बोले तो क्या बोल सकते हैं? जो कुछ भी हमें पार्टनर्स को देना है या जिनसे उनकी कैपिटल बढ़े, सबको हम किस साइड में क्रेडिट का दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में। और जिन चीजों को पार्टनर से हमें लेना है या जिससे उनकी कैपिटल घटेगी उसे किस साइड में दिखाएंगे? डेबिट साइड में। तो क्रेडिट को हम क्या बोल सकते हैं? इंक्रीज। और डेबिट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिक्रीज। ठीक, जब भी हमारा कैपिटल घटेगा तो उसे हम लोग किस साइड में दिखाएंगे? डेबिट साइड में। और जब भी कैपिटल हमारा बढ़ेगा उसे किस साइड में दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में। ठीक, यहां पर सबसे पहले दिखाएंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर आएगा बाई स्पेशल बेनिफिट्स। अब स्पेशल बेनिफिट में क्या था? लास्ट वाली क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे सैलरी, कमीशन, बोनस, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा। फिर यहां दिखाएंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्या था हमारा? प्रॉफिट। डेबिट साइड में दिखाएंगे टू ड्रॉइंग्स। अच्छा सर, ये कौन सा वाला ड्रॉइंग्स है? इसे हम लोग बोलते हैं ना आउट ऑफ प्रॉफिट ड्रॉइंग्स। फिर उसके बाद दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। टू क्या आएगा हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर हमें बिजनेस में क्या हुआ है? लॉस हुआ है। और फिर दिखाएंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस सीडी। ठीक है सर, इसमें डेबिट क्रेडिट में किसी साइड में हो सकता है बैलेंस? हाँ बाबू, इसका बैलेंस डेबिट का भी हो सकता है और क्रेडिट का भी हो सकता है। तो कैसे लिखेंगे? तो आप डेबिट वाले में से क्रेडिट वाले को घटा लेना, या क्रेडिट वाले में से डेबिट वाले को घटा देना। जिधर कम जितना कम उतना बैलेंस सीडी लिखेंगे। क्या है? जिधर कम जितना कम उतना बैलेंस सीडी लिखेंगे। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हमारा बनेगा ना, जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तब वहां पर बनता है एक ही अकाउंट, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? कैपिटल अकाउंट के नाम से। ठीक, यानी जब भी कैपिटल हमारा फ्लक्चुएटिंग होता है तो वहां पर बस एक अकाउंट बनता है, उसका नाम क्या है? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जब पार्टनर चाहते हैं उनके इन्वेस्टमेंट में या उनके जो भी बेनिफिट्स वगैरह मिल रहे हैं उसमें सारे चेंजेस एक ही अकाउंट के थ्रू डील हो, तो वहां पर हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है,
अच्छा सर, मान लीजिए हमारे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहता रिगार्डिंग फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो क्या मान के चलते हैं? हम हमेशा मान के चलते हैं कैपिटल हमारा क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, जब भी हमारे क्वेश्चन में कुछ नहीं कहेगा कौन सा कैपिटल अकाउंट बनाना आपको, तो हमेशा कौन सा अकाउंट बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक, इसके लिए बस एक अकाउंट बनेगा, नाम उसका है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यही फिर ये हमारा क्या है, इंक्रीज, और ये हमारा कौन सा साइड है, डिक्रीज। जब भी जो भी देना जहां से देना जैसे देना सबको हम क्रेडिट करेंगे, और जो भी लेना जहां से लेना जैसे लेना सबको हम डेबिट करेंगे। जो कुछ भी पार्टनर्स को देना उसे क्रेडिट साइड में, और जो कुछ भी पार्टनर से लेना उसे किस साइड दिखाएंगे, डेबिट साइड में। आओ शुरू करते हैं। यहां दिखाएंगे सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्या था, ये था हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, इतना पैसा हमारा बिजनेस में पहले से पड़ा हुआ है। फिर दिखाएंगे बाबूला बाय कैश या बैंक, ये क्या था हमारा, वही ACI एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। फिर यहां पर बाय स्पेशल बेनिफिट्स, स्पेशल बेनिफिट्स सच एज सैलरी कमीशन बोनस रेमुनरेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा। फिर यहां पर दिखाएंगे बाय रिजर्व, किस रेशियो में बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और बाई हमारा आ जाएगा पीएल अप्रोप्रिएशन। ठीक है, ये हमारा क्या था, प्रॉफिट। डेबिट साइड में दिखाएंगे टू ड्रॉइंग्स, अभी कोई सा भी ड्रॉइंग हो चाहे आउट ऑफ प्रॉफिट या आउट ऑफ कैपिटल, दोनों ड्रॉइंग्स एक ही जगह जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, फिर आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या था हमारा, लॉस था जो हमने पीएल अकाउंट से पाया। फिर यहां पे दिखाएंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक, गाना याद है, जिधर कम जितना कम उतना बैलेंस सीडी लिखेंगे। चल, क्या इसका बैलेंस डेबिट साइड का भी ज्यादा हो सकता है, क्रेडिट साइड का? हाँ, और कैन नॉट डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, लेकिन अगर हमारी कैपिटल फिक्स होगी तो कैन नॉट है डेबिट बैलेंस। यहां तक कोई डाउट, फिर से एक बार देखेंगे। सबसे पहले हमारा क्या था, बाय बैलेंस बीडी, ये क्या था हमारा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। फिर उसके बाद दिखाएंगे बाय कैश या बैंक अकाउंट, जो और पैसा बिजनेस में आपने लगाया। फिर उसके बाद क्या था हमारा, बाय स्पेशल बेनिफिट्स, जो कुछ भी हम पार्टनर को दे रहे हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट के अलावा, क्या क्या दे सकते हैं, सैलरी कमीशन बोनस रेमुनरेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा। फिर उसके बाद अगर हमारे पास कोई रिजर्व पड़ा हुआ है, सही, रिजर्व का मतलब क्या होता है, रिजर्व का मतलब होता है ना एक्युमुलेशन ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, जो हम पुराने प्रॉफिट को इकट्ठा करके रखे हुए हैं उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिजर्व के नाम से जानते हैं। ठीक, तो अगर हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट तो उस रिजर्व को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। सर, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, जिसमें हम और आप अग्री हुए हैं फायदा नुकसान बांटने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और एक लास्ट चीज हमारी आएगी बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट में हिस्सा हमारा है वो भी हमारे किस साइड में चला जाएगा, क्रेडिट साइड में। फिर डेबिट में क्या आएगा, ड्रॉइंग्स, जो हमने पर्सनल यूज के लिए जितना ही पैसा बिजनेस से निकाल लिया उस पर जो हमें कॉम्पनसेशन देना पड़ा। फिर हमारा क्या था, पीएल अकाउंट, ये कौन सा था हमारा, लॉस, और ज्यादा वाले में से कम वाले को फिर हमने क्या किया, घटा लिया। सर कैसे, ऐड कर लो सारा, मान लो 100 आ गया और इधर का 80 आ गया, तो 100 माइनस 80 बैलेंस सीडी हमारा कितना हो जाएगा, 20। उधर का मान लो 400 आ गया, इधर का 500 आ गया, तो 500 माइनस 400 तो इधर आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। क्लियर है, बना लीजिए इतना।